हेलो फ्रेंड्स, समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जानते हैं आज की बड़ी खबरें। व्हाट्सएप का बड़ा एक्शन, भारत में बंद किए 20 लाख अकाउंट, स्पैम और अनचाहे मैसेज को रोकने के लिए उठाया कदम। छत्तीसगढ़ में जवानों से भरी बस पलटी, 38 जवानों को सीएम ड्यूटी के लिए ले जाया जा रहा था, मेन पार्ट के पास 15 फीट की गहरी खाई के अंदर गिरी, 12 लोग घायल, 4 गंभीर। मुंबई वर्सेस दिल्ली, पावर प्ले तक दिल्ली 46-3। अय्यर पंत क्रीज पर सस्ते में आउट हुए धवन, शो और स्मिथ। नहीं रहे पाकिस्तान के किंग ऑफ कॉमेडी, कॉमेडियन उमर शरीफ का कैंसर से निधन, 66 साल की उम्र में जर्मनी में ली आखिरी सांस। अपडेट्स, किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच पंजाब हरियाणा में कल से शुरू होगी धान की खरीद। चीन को भारत का कराया जवाब, लद्दाख में पहली बार K9 वर्स तोपे तैनात, आर्मी चीफ बोले चीन ने सैनिक बढ़ाए, हम भी खतरे से निपटने के लिए तैयार। मोदी की विपक्ष को नसीहत, पीएम बोले कृषि कानूनों की आलोचना करना राजनीतिक छल है, जनता के फायदे के लिए खड़े फैसले लेने की जरूरत। सहमति के फॉर्मे पर राजी नहीं सिद्धू, कांग्रेस नेता बोले पद रहे या ना रहे राहुल और प्रियंका गांधी के साथ खड़ा रहूंगा, हाईकमान ने नहीं लिया है इस्तीफा पर कोई फैसला। दुनिया का सबसे बड़ा खादी का तिरंगा, लेह में 1400 किलो वजनी तिरंगे का अनावरण, लंबाई में 225 फीट और चौड़ाई में 150 फीट 49 दिन में बनकर तैयार हुआ। कोरोना से जंग में नई उपलब्धि, देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 90 करोड़ के पार, 24 करोड़ लोगों को दोनों डोज मिली। पंजाब पॉलिटिक्स के नए समीकरण, बीजेपी में अमरिंदर की एंट्री ना होने का बड़ा कारण बना 75+ एज लिमिट का, अब कांग्रेस और किसान एजेंडे में सबसे ऊपर। IPL में आज रॉयल्स के सामने सुपर किंग्स, CSK की नज़र टॉप 2 पर, RR को वापसी के लिए प्लेइंग 11 में बदलाव ज़रूरी। मुंबई की साकिना का रेप केस में खुलासा, आरोपी 25 दिन से महिला का पीछा कर रहा था, महिला ने नज़रअंदाज किया तो उससे निर्भया जैसी दरिंदगी की। एक्सप्लेनर, अमेरिकी सीनेट में खास बिल पेश, तबाह हो जाएगी पाक इकोनॉमी और आर्मी, जानिए इस बिल के बारे में सब कुछ। गांधी जयंती विशेष, पटेल की जगह नेहरू को PM बनाने के लिए लगाया था जोर, क्या रुकवा सकते थे भगत सिंह की फांसी, पढ़िए गांधी के 6 विवादित फैसलों की कहानी। खुद के पॉपुलर कपल का हुआ तलाक, समांथा अकिनिनी और नागा चैतन्या ने लिया तलाक, एक्ट्रेस ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में जारी कर कहा हमें इससे आगे बढ़ने के लिए प्राइवेसी दें। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के 5 साल, सुशांत की फिल्म के 5 साल पूरे होने पर बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने शेयर की पुरानी पोस्ट, बोली तुम्हार वापस आ जाओ, आओगे तो मैं बहुत कुछ करूँगी। सोशल मीडिया से शिल्पा शेट्टी ने शेयर की मोटिवेशनल पोस्ट, लिखा चीज़ों को अपनाकर ही खुद का नज़रिया बदला जा सकता है। एक्सप्लेनर, गडकरी ने 170 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाई थी कार, मद्रास हाई कोर्ट का आदेश 80 किमी से ज़्यादा ना हो स्पीड। कन्हैया से पिछड़ गए उमर खालिद, कम्युनिटिस्ट कन्हैया कांग्रेस हो गए, जबकि JNU छात्र राजनीति में उनके बैचमेट उमर खालिद आज भी तिलहाड़ जेल में। गांधी जयंती पर विशेष, महात्मा गांधी से मिलने जाते वक्त चार्ली चैपलिन इतने नर्वस थे कि उन्होंने पूरे रास्ते रिहर्सल करते हुए गए, देखी अनदेखी तस्वीर में, जानिए इसके रोचक किस्से। फोटोज में देखिए IPL का रोमांच, पंजाब की जीत ने अभिनेत्री प्रीति जिंटा के चेहरे पर लौटाई मुस्कान, हारने पर प्लेऑफ से बाहर हो सकती है किंग्स। IPL फेज टू फैंटेसी 11 गाइड, MI वर्सेस DC मैच में पृथ्वी शो होंगे अहम, RR वर्सेस CSK मुकाबले में ब्रावो मतलब जीत की गारंटी।
कोलकाता वर्सेस पंजाब, शाहरुख खान ने छक्का लगाकर पंजाब को दिलाई रोमांचक जीत। पॉइंट्स टेबल में पांचवें पायदान पर पहुंची राहुल एंड कंपनी। जी एंटरटेनमेंट और इन्वर्टर्स के बीच ठनी। इन्वेस्को की ईजीएम बुलाने की मांग पर बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची जी। कहा, पुनीत गोयनका को एमडी पद से हटाने की मांग गलत। रिकवरी के संकेत, सितंबर में एक्सपोर्ट सालाना आधार पर 21.35% भरा, इंपोर्ट में 84.75% का इजाफा। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेता के बिगड़े बोल। अब्दुल राशिद डार ने कहा, कांग्रेस सत्ता में आए तो पीएम मोदी को गिरफ्तार करेंगे और फांसी पर लटका देंगे। जल संरक्षण के लिए नई पहल। पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष लॉन्च किया। लोगों को वाटर सप्लाई और वाटर क्वालिटी की जानकारी मिलेगी। कोरोना, दुनिया में मरने वालों का आंकड़ा 50 लाख के करीब। 7 लाख मौतें सिर्फ अमेरिका में। डेल्टा वेरिएंट सबसे बड़ा कारण। हमारे आज के समाचार यहीं पे खत्म होते हैं। आपसे मिलेंगे ऐसे एक ऑर्डर में, तो फिर वैसा जाएगा। सुरक्षित रहिए। जय हिंद।